वेल, इट इज सेड कि वी परसीव व्हाट वी वांट टू परसीव। हम वही सुनते, देखते और समझते हैं जो हम सुनना, देखना और समझना चाहते हैं। कोइनो कताची इज द स्टोरी ऑफ चेंजिंग लाइव्स बाय चेंजिंग परसेप्शन। वेल, इजंट इट इंट्रिग्स यू कि हाउ फास्ट लाइफ कैन चेंज, हाउ फास्ट द पीपल विच वी हेल्ड द मोस्ट प्रेशियस इन आवर लाइव्स, द पीपल हु आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस, हाउ फास्ट दे कैन चेंज। बट वी आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स होने के नाते चेंज इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम छोटे से बड़े होते हैं, हम अपने बचपन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी नादानियाँ करते हैं, बट कुछ नादानियाँ हमें जिंदगी भर के लिए रिग्रेट दे सकती हैं। सो सम पीपल व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स, और कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली कभी चेंज ही नहीं होते, एंड दे रियली डिजर्व ऑल द हेट्रेड जो उन्हें मिलती है। क्यों? क्योंकि दे ऑप्टेड टू नेवर चेंज। उन्होंने अपनी गलतियों को भी सुधारने कभी मौका दिया ही नहीं, उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, एंड दिस इज वेयर दे आर एट फॉल्ट। तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स रोल अप द इंट्रो। कोइनो कताची, एके अ साइलेंट वॉइस, एके द शेप ऑफ वॉइस, इज अ स्टोरी ऑफ अ साइलेंट वॉइस हु इज इन सर्च ऑफ हर शेप ऑफ वॉइस। वो इस सोसाइटी में फिट होना चाहती है। अ साइलेंट वॉइस स्टोरी है चेंज, रिडेम्पशन, बिट्रेयल और ह्यूमन इमोशंस की। बट कुछ और एक्सप्लेन करने से पहले चलो लेट्स नो द स्टोरी ऑफ अ साइलेंट वॉइस इन अ क्विक रिकैप। इन द स्टार्ट हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सारी चीजें बेच देता है और जमा किए हुए पैसे को अपनी मम्मी के पास रख कर वो एक ब्रिज पे चला जाता है टू कमिट सुसाइड, बट स्टॉप्स एट द लास्ट मोमेंट्स। फिर हम उसके पास्ट को देखते हैं कि व्हाट लेड हिम टू डू दिस। शोया इशिदा एक नॉर्मल एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट होता है, अ नॉटी वन इंडीड। एक दिन उसके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, शोको निशिमिया, जो बोल या सुन नहीं सकती थी। शी यूज टू कम्युनिकेट टू पीपल यूजिंग अ नोटबुक। वो स्कूल में घुलने मिलने की कोशिश करती है, बट किड्स बीइंग किड्स दे स्टार्ट टू बुली हर। शोया और उसके दोस्त हमेशा उसके इयररिंग एड्स छीन कर या तो तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। एक बार तो शोके कान से खून भी आने लगता है। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और शोया इज ब्लेम्ड। वो सच बताने की कोशिश करता है कि वो इसमें अकेला नहीं था, उसके दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व थे, बट वो सब मिलके उसे फंसा देते हैं एंड द रोल्स आर रिवर्स्ड। द विक्टिम ऑफ बुलिंग इज नाउ शोया हिमसेल्फ, और वो इन सबका जिम्मेदार शोको को मानने लगता है। हाँ, शोया जिम्मेदार था, लेकिन उसके दोस्त भी कम नहीं थे, वो भी पनिशमेंट डिजर्व करते थे, पर मिली सिर्फ किसको? शोया को। नाउ इन प्रेजेंट वी सी इशिदा इज आइसोलेटेड बाय एवरीवन। वो किसी को ठीक से देख नहीं पाता है और हमेशा से झुका के चलता है। एक दिन व्हाइल गोइंग टू एन साइन लैंग्वेज क्लास ही मीट शोको अगेन, एंड दिस सेट्स हिम ऑन अ पाथ ऑफ रिडेम्पशन। In the way, he makes some friends and is helped by them in redeeming himself. This forms the plot of Koino Katachi. इस मूवी में characters represent different types of people who come in our life. So let's go through them one by one. Shoko Nishimiya एक बहुत ही मासूम सी लड़की है जो बोल या सुन नहीं सकती। उसे लगता है कि सब उसे बहुत समझते हैं, इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई परेशानी खड़ी होती है, वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है, इवन जब उसकी कोई गलती ही नहीं होती। शोको इशिदा रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। हम सब ने कभी ना कभी गलतियां करी होती हैं एंड वी रिग्रेट इट समटाइम्स। हम चाहते हैं कि काश हम टाइम में पीछे जाके सब कुछ चेंज कर पाते, एंड सम ऑफ अस इवन ट्राई टू करेक्ट देयर मिस्टेक इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। दिस व्हाट
would have us in the whole story. Kawaicha represents people who are very self-centered. तो ज़्यादातर सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, the very selfish ones. ये पहले ही सीन में साबित हो जाता है जब वो अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए रोने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं, दूध की धुरी हुई है. Ueno represents people जो कभी चेंज ही नहीं होते, वो चेहरे पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं. इन लोगों को जितना भी हेट मिलता है ना, दे फकिंग डिजर्व दैट. इट इज प्रूवन बाय द फैक्ट कि Ueno इस पूरी मूवी की, नो डैट, पूरी मूवी की सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर है. At last, हम जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, we meet different types of people, new people. हम उनसे अपने past actions हमेशा छुपाना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमें embarrass ही करेंगे. Nagatsuka-kun and Toshi represent those people. Shoya bullying वाली बात उनसे हमेशा छुपाना चाहता था लेकिन वो फेल हो जाता है, वो बात उनके सामने आ जाती है. उसके बाद सोया वही करता है जो हम प्रॉब्ली हम सब कोई करेंगे, वो उन्हें इग्नोर करने लगता है. नाउ वेलकम टू माय फेवरेट पार्ट, द पर्सनल एक्सपीरियंस. मुझे ये मूवी देखकर कैसा लगा? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ये मूवी कुछ 1.5 साल पहले देखी थी और उस समय क्योंकि मैंने तुरंत जापानीज में देखना शुरू किया था, ये मूवी ने मुझे बोर किया. उस समय आई फेल्ट क्वाइट बोर्ड क्योंकि उस समय मैं ना बहुत ही एक्शन टाइप एनिमे देखता था और ये बहुत ही काम था, बहुत ही मतलब फिक्शन नहीं था, ये बहुत ही ह्यूमन स्टोरी थी. बट 1.5 साल बाद जब मैंने इसे फिर से देखा, देन मेरा परसेप्शन बहुत चेंज हुआ था. अभी आई सी इट एज अ मास्टरपीस. ये बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि बहुत ही अच्छी ह्यूमन स्टोरी टेल करती है कि कैसे चेंज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आर लाइफ. अगर आप चेंज नहीं करोगे तो एट द एंड आप सोसाइटी के पीछे रह जाओगे, यू विल गेट आइसोलेटेड. इसमें हमेशा दिखाया गया कि आप जो भी करोगे वो लौट कर आपके पास आना ही आना है. तो ये सब कहते हुए मैं इस फिल्म को अपनी तरफ से रेटिंग देना चाहूँगा 9 out of 10. सो कमेंट डाउन योर रेटिंग ऑफ द फिल्म. और भाई जाने से पहले, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में है, तो जाओ और फॉलो करो. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और वो खंटी ना टंटा ना दो. और अगर ज़्यादा पसंद आ गई तो अपने ओटाकू फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, बढ़ाओ मेरे को.